गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। आई होप प्रीवियस क्लास में जो भी हमने किया था 9.9 आपका कंप्लीट हो गया होगा और आपको समझ में आया होगा। 9.9 10 पे ही बेस पे ही कुछ और क्वेश्चन है। 9.11 क्या करना है, जो कि हम कर चुके हैं। सेम लीटर और एमएल को ऐड करना है। 9 और 3 डिजिट के नीचे डिजिट बिठाना है। 9 और 3 कितने होते हैं 12, 2 वन कैरी, 6 और 4 10 और 1 11, 1 इस पे कैरी, 9 और 1 10 का 0, 1 इधर कैरी लगाएंगे आप, 9 और 1 10, 11 12 का 2, 1 इधर कैरी, 6 और 4 10 और 1 11, 1 इधर कैरी, 7 और 2 8 और 1 9। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है। सेम ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 912 लीटर और 12 ml। ओके, ये आपका आंसर हो गया। तो ये सेम आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। वैसे ही आपको ये तीनों लाइन प्लस करनी है। किस तरीके से करनी है मैं बता देती हूँ आपको। 6 और 4 10 और 5 15 का 5 वन कैरी, 7 और 1 8 और 9 कितने होते हैं 17, 18, 19 का 9 वन कैरी, 4 और 1 5, 5 और 8 13, 14, 15, 16 का 6 वन इधर कैरी लगाएंगे, 1 और 4 और 1 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19 का 9 1 इधर कैरी, 3 2 5, 5 और 4 9 और 1 10 का 0 1 इधर कैरी, 3 4 5 6। तो ये क्या हो गया, 609 लीटर 695 ml। तो इस तरीके से सिर्फ आपको प्लस करना और कुछ नहीं करना, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो आई होप ये सबको ही आना चाहिए। अब ये क्या है, ऐड करना है। इसको क्या करना है, कॉलम में अरेंज करना है, उसके बाद इसको हमें ऐड करना है। किस तरीके से कॉलम में अरेंज करना है, जैसे ये ऊपर आपको दिया गया है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ आपको नोटबुक में किस तरीके से इसको कॉलम में अरेंज करके ऐड करना है। आप क्वेश्चन फर्स्ट है आपका 37 लीटर 348 ml, 28 लीटर एंड 290 ml। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लीटर लिखेंगे और यहाँ ml लिखेंगे। तो लीटर क्या है आपका 37, 348 ml, ये क्या है 28 लीटर एंड 290 ml। अब इसको हम प्लस करेंगे, ऐड करना है क्योंकि, तो हम इस तरीके से करेंगे 8, 9 और 4 13 का 3 1 इधर कैरी, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 7 और 8 7 और 8 15 का 5 1 कैरी, 3 और 1 4 5 6। तो इसका आंसर क्या है, 65 लीटर 638 ml। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से कॉलम में अरेंज करना है, उसके बाद आपको इसको पूरा सॉल्व करना है। तो इसमें आपको जो क्वेश्चंस करने हैं वो मैं टिक कर देती हूँ, सी ई और एक एफ। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और सब्ट्रैक्शन और एडिशन तो सबको ही आना चाहिए, सभी बच्चों को, और ये हम पहले भी कर चुके हैं और सेम पिछले वाला ही है, ये प्रीवियस क्लास में जो हमने लर्न किए थे। अब ये सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन देखते हैं कैसे करना है। वन में से फोर तो सब्ट्रैक होगा ही, हमें ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले को माइनस करना होता है। तो अब ये देखेंगे ऊपर वन है और नीचे फोर है, ये तो जाएगा ही नहीं, और हमें माइनस करना ही है। तो क्या करेंगे, हम इससे कैरी ले लेंगे, तो ये 11 हो जाएगा और ये खुद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, अब तो 11 से 4 हम माइनस कर सकते हैं ना, तो क्या बचेगा, 11 में से 4 माइनस करेंगे 7। अब यहां देखेंगे आप 2 में से ये 7, ये तो माइनस होगा नहीं, ये अपने साथ वाले से लेगा, ये 12 हो गया और ये 3 हो गया। अब 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया 5, क्योंकि हमें नीचे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना ही करना है, अगर नहीं होगा तो हम उसके साथ वाले से नंबर कैरी लेते रहेंगे। अब ये भी है 3 में से 5 तो जाएगा नहीं, और ये खुद 0 है, ये क्या देगा, तो ये अपने साथ वाले से लेगा, तो ये क्या हो जाएगा 5, और ये क्या हो गया 10 हो गया, क्योंकि इसने तो इसको दे दिया, ये 10 हो गया। अब ये इसको दे देगा तो ये खुद क्या हो जाएगा 9, और ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया 0, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 2 और 2,
तो ये आंसर क्या है, 220 लीटर, 857 ml। तो इस तरीके से आपको पूरा सब्ट्रैक्शन भी सॉल्व करना है, ये आपको होमवर्क में खुद करना है। ओके, अब ये भी सब्ट्रैक्शन है, इसको कॉलम में अरेंज करो और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करो। तो आपको क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन फोर में लिख देती हूँ, 78 लीटर, 986 ml फ्रॉम 193 लीटर, 232 ml। तो इसको हम कॉलम में अरेंज करेंगे, किसमें से बोला, इसमें से बोला है, तो 193 ऊपर लिखेंगे 232 ml की जगह पे, इसमें लीटर क्या है 78, इधर से 78 इधर लिखेंगे और ये क्या है 986। अब माइनस करेंगे, इसको कॉलम में अरेंज कर लिया, अब इसको हमें माइनस करना है, 2 में से 6 तो जाएगा नहीं, बट हमें माइनस तो करना ही है, तो हम क्या करेंगे, इससे कैरी ले लेंगे। अब ये 12 हो गया, 12 में से, और ये क्या हो गया खुद 2, क्योंकि इसने एक, जब हम किसी को कुछ दे देते हैं तो वो हमारे पास से माइनस हो जाता है, यानी कि वो चीज उतनी कम हो जाती है। अब ये यहाँ पे 3 था, इसने 1 इसको दे दिया, तो इसके पास क्या बचा, ये खुद 2 हो गया। 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 6, अब 2 में से 8 तो जा नहीं सकता, ये अपने साथ वाले से ले लेगा, 12 हो गया। अब 12 से 8 माइनस किया 4, यहां क्या बचा था 1, क्योंकि इसने तो इसको दे दिया था, तो अब ये 1 से 9 तो जाएगा नहीं, ये अपने से साथ वाले से लेगा, 11 हो गया। 11 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2। ओके, यहां क्या बचा था 2, अभी इससे कैरी ले लेगा और ये 8 हो जाएगा। 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और ये 1, तो इसका आंसर आएगा 114 लीटर, 246 ml। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरीके से ये सब्ट्रैक्शन भी आपको खुद होमवर्क में कंप्लीट करना है, ये चारों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये एक्सरसाइज और आपके सिलेबस यहीं कंप्लीट होता है, और लास्ट आपको जो ये खुद करना है, ये जो टिक द करेक्ट आंसर है, ये आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन, ये आपको खुद कॉपी में नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके, उसी बेस पे जो हमारा मेजरमेंट का चैप्टर था, उसी बेस पे ये कुछ टिक द करेक्ट क्वेश्चन है, आपको खुद ये टिक करना है। तो इसी के साथ हमारा सिलेबस भी पूरा होता और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया, और जितना भी अब तक मैंने करवाया उसी में से ही आपका सेकेंड टर्म का पेपर आएगा, वही सारा आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, बाय, टेक केयर।